हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, रिवाइज कट ऑफ को लेकर के एक बात चल रही है कि रिवाइज कट ऑफ जो अभी तक पब्लिश हुई नहीं है वो कभी भी पब्लिश हो सकती है। और एक बात जो कुछ यूट्यूब चैनल्स पे और टेलीग्राम ग्रुप्स पे चल रही हैं कि रिवाइज कट ऑफ कल तक आ सकती है, और साथ में एक फिगर भी मेंशन की गई है कि रिवाइज कट ऑफ जो है वो कितनी रिवाइज हो सकती है कट ऑफ। इसे भी लेकर के बातें चल रही है कि जनरल कैटेगरी यू आर कैटेगरी के लिए रिवाइज कट ऑफ जो है वो कम होकर के 229 मार्क्स तक आ सकती है, वहीं कैटेगरीज के लिए जो रिवाइज कट ऑफ है वो रिड्यूस होकर के 190 मार्क्स तक आ सकती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये थोड़ा सा जो करियर मीडिया की व्यूज है वो हम आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे कि ये बात सही है कि रिवाइज कट ऑफ कभी भी आ सकती है। रिवाइज कट ऑफ अभी तक नहीं आई है तो अलग अलग स्पेकुलेशंस लग रहे होंगे, स्टूडेंट्स अपने अलग अलग स्पेकुलेशंस लगा रहे होंगे, बहुत सारे लोग उनको ये भी कह रहे होंगे कि इस बार जो है रिवाइज कट ऑफ वो मॉपअप से पहले नहीं आएगी, मॉपअप से बाद आएगी, या फिर स्पेकुलेशंस ऐसे भी लग रहे हैं कि इस बार रिवाइज कट ऑफ नहीं आएगी। बट ऐसा नहीं है, जहाँ तक मैंने हर एक वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि रिवाइज कट ऑफ कभी भी आ सकती है, रिवाइज कट ऑफ कभी भी आ सकती है। दैट मीन्स कि अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है जो इस बात की तरफ इशारा करती हो कि रिवाइज कट ऑफ नहीं आएगी या मॉपअप राउंड के बाद आएगी। तो इस तरीके की कोई इंडिकेशन नहीं है, इसलिए मैंने आज भी जब ये वीडियो अपनी अपलोड की तो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि अभी भी मेरे मन में होप है कि रिवाइज कट ऑफ आएगी। और कहीं ना कहीं से शाम तक ये जो है वो इन्फॉर्मेशन आनी स्टार्ट हुई कि रिवाइज कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली कल तक आ सकती है। मुझे जहाँ तक लगता है ये जो इस बात को जितने लोग र्यूमर समझ रहे हैं वो कम्प्लीटली र्यूमर नहीं है, इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर है। अपने अपने सोर्सेज होते हैं लोगों के जिसके तहत उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जब वो उनको मिलती है तभी जा करके वो YouTube पे अपलोड करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर 100% नहीं तो 80% सच्चाई इस बात में ज़रूर होगी कि जो रिवाइज कट ऑफ है वो कल तक कभी भी आ सकती है। और जो डेटा जो फिगर शेयर की जा रही है कि रिवाइज कट ऑफ यू आर कैटेगरी के लिए 229 मार्क्स और कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 190 मार्क्स तक आ सकती है, वो भी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर मुझे सही लग रही है, करेक्ट लग रही है। क्योंकि हमने भी अपने वीडियोस में जो स्पेकुलेशंस बताए हैं, जो एनालिसिस बताए हैं, उसके तहत हमारे अकॉर्डिंग भी जो यू आर कैटेगरी की जो रिवाइज कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 230 के आसपास रह सकती है, और ये जो डेटा है ये डेटा भी 230 से मिलती जुलती है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो डेटा शेयर की गई है ये डेटा सही लग रही है। वहीं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 190 के आसपास जो है वो रिवाइज कट ऑफ हो सकती है, हालांकि ये अभी तक ऑफिशियल नहीं आई है, दैट्स ट्रू। इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बातें लग रही होंगी कि ये जो फिगर दी गई है और ये जो रिवाइज कट ऑफ की बात कही गई है ये कहीं ना कहीं र्यूमर्स है। बट हमें पर्सनली करियर मीडिया को ये चीज़ फील ऐसा नहीं लगता है, ये चीज़ कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत नहीं लगती, थोड़ी सच्चाई हमें इस बात में ज़रूर लगती है। बाकी कल तक थोड़ा सा वेट करेंगे तो ऑफिशियली भी आई होप कि एमसीसी की वेबसाइट पे रिवाइज कट ऑफ आ जाएगी, एंड देन वी विल सी कि कितनी रिवाइज हुई है एग्जैक्टली कट ऑफ, और इसके बाद अब स्टूडेंट्स के सामने क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस क्रिएट होते हैं, और स्टूडेंट्स किस तरीके से काउंसलिंग को अपनी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।